दोस्तों आपका स्वागत है जीके वी सुंदर में। दोस्तों हर बार के जैसा इस बार भी हम ऑनलाइनर फॉर्म में ही ग्रुप डी एनटीपीसी एसएससी सीजीएल ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हम आपके सामने लाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बीजगणित में विशेष योगदान कौन दिया था। तो बीजगणित में विशेष योगदान दोस्तों भास्कर दिए थे। इनकी पुस्तक का नाम था लीलावती, जो अपनी बेटी के नाम पर दिए थे। दोस्तों इसी में प्रमाण मिलता है कि बीजगणित का मतलब प्रथम प्रमाण इसी में मिला है लीलावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कालपोंग, ये 2018 में पूछा गया है दोस्तों कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। दोस्तों ये पूछेगा कि कैसा है जल विद्युत परियोजना, तो ये सागरीय आधारित जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, क्योंकि ये सागरीय के जो तरंग उत्पन्न होती है उसी से ये जल विद्युत परियोजना चलता है। कालपोंग नाम है इसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एनटीपीसी 2018 में पूछा गया है कि पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो पंचशीर घाटी है दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों, इसी के आसपास में खैबर दर्रा जितने भी विदेशी आक्रमणकारी होते थे इसी दर्रे से भारत में मतलब घुसा करते थे, जिसका नाम खैबर दर्रा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड सीएचएसएल 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र इसका नाम है उदंत मार्तंड, जो 1826 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों इसे प्रकाशित करने वाले कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर थे दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित जुगल ये हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है अफगानिस्तान, ये दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार मतलब दोहराया गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वीवीआई, ये भी है पादप यानी कि घास जो चट्टान पर उगते हैं क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम लिथोफाइट कहते हैं दोस्तों। उसी तरह और भी अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि जल में जो उगते हैं पौधे उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है दोस्तों। रेगिस्तान में जो उगते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है दोस्तों। जो दलदली में उगते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है दोस्तों, सॉरी हाइग्रोफाइट। याद रखिएगा दोस्तों जो जल में होगा उसे हाइड्रो मीन्स जल होता है, उसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है। जो दलदली में होगा उसे हाइग्रो बोला जाता है, हाइग्रोफाइट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आई है परमाणु कैसा होता है दोस्तों, ये आपके सामने है ऑप्शन है दोस्तों इसमें कि परमाणु कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है धनात्मक, सेकंड ऋणात्मक, थर्ड है उदासीन यानी न्यूट्रल, डी है ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसमें से एक आपको गेस करना है कौन है। तो चलिए दोस्तों इसका हम आप लोग भी मन में सोच ही लिए होंगे, तो इसका आंसर जाता है उदासीन जाता है दोस्तों, ये उदासीन है दोस्तों। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि परमाणु में प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, तो प्रोटीन पे प्लस चार्ज होता है यानी धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक होता है। दोनों अगर हो जाए एक दूसरे से अगर किसी रिएक्शन कर लेंगे विपरीत दिशा होता है, इसलिए उदासीन होता है। तो परमाणु कैसा होता है दोस्तों, उदासीन होता है। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों भारत में चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों, तो ये डॉक्टर बिधान चंद्रा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनके नाम पर अवार्ड भी चिकित्सा में दिया जाता है, बीसी रॉय अवार्ड, डॉक्टर बिधान चंद्रा बीसी रॉय अवार्ड उन्हीं के नाम से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एबीवीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तेलचट्टा यानी कि कॉकरोच किससे सांस लेता है, मतलब सांस लेने के माध्यम उन लोग का क्या है, तो वातक है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, वातक, ट्रैकिया इसे बोला जाता है दोस्तों, हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिच्छू होता है वो किससे सांस लेते हैं। तो बिच्छू दोस्तों ये बुक लंग से सांस लेते हैं, बुक लंग। एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एमटीएस में पूछा गया है दोस्तों कि घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों एक्वस केबेलस नाम है इसका, एक्वस केबेलस, अच्छा से नाम दोस्तों इसे पढ़ना है हमें। पूछा एमटीएस का पूछा गया है क्वेश्चन घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, एक्वस केबेलस। उसी तरह अगर कभी बकरी का नाम पूछ दे कि वैज्ञानिक नाम क्या है बकरी का दोस्तों,
तो इस बकरी का केपरा पेनस नाम है, बकरी का दोस्तों केपरा पेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार पुलिस 2020 में पूछा गया है कि प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, इंग्लिश में से बोलेगा थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, किसने दिया था? ये दोस्तों जॉन लॉक ने दिए थे। ये जॉन लॉक दोस्तों दिए थे 1632 से, इनका 1632 से 1704 तक मतलब ये जिंदा थे दोस्तों जॉन लॉक। ये प्रकृति का ऐसे डार्विन कितने होंगे जो डार्विन मार दिए होंगे, लेकिन डार्विन नहीं है, जॉन लॉक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट 5H2O दोस्तों, आसानी से याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? तो हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले वेणुगोपाल ने किए थे दोस्तों, 3 अगस्त 1994 को किए थे वेणुगोपाल। अब ऐसे ही अगर विश्व में पूछे तो 1967 में क्रिश्चियन बोनापार्ट ने किए थे सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण दोस्तों। बहुत ही खास क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब याद रखने वाला है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की एक मूल इकाई के रूप में डीएनए होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये एसएससी जेई में पूछा गया है 2019 में दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब मतलब क्वेश्चन है सर। तो जीवन की मूल इकाई के रूप में डीएनए होता है, ये मैक्सवेल ने कहा था दोस्तों, ये मैक्सवेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मधुमक्खी में विशेष प्रकार का डांस होता है, उसका क्या नाम है? तो बैंगल डांस दोस्तों है। लेकिन ये मधुमक्खी डांस क्यों करती हैं दोस्तों? ये डांस करती हैं भोजन के स्रोत की, अगर उन्हें जानकारी मिल जाता है तो अपने दोस्तों को अपने परिवार को बताते हैं कि ये मतलब भोजन की प्राप्ति हो गई है, और नाचते नाचते इन लोग आगे चलते हैं। इनकी खोज कौन किए थे? बेन फ्रिंच ने किए थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दोस्तों मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2016 में मतलब पूछा गया है दोस्तों कि बंदूक की खोज किसने की थी? तो बंदूक की खोज ये दोस्तों रिचर्ड गैटलिंग ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17 है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये बहुत बार के क्वेश्चन दोहराया गया है एग्जाम में पॉलीकार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बादशाही मस्जिद कौन बनवाया था? दोस्तों ये मेरे ही एग्जाम में एमटीएस 2019 में पूछा गया था कि बादशाही मस्जिद कौन बनवाया था। बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था जो 1671 में, और कहाँ है दोस्तों? ये लाहौर में स्थित है दोस्तों, लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किला ए कोहना मस्जिद किसने बनवाया था? ये दोस्तों किला ए कोहना दिल्ली में है, इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था दोस्तों। तो ये मेरा छोटा सा प्रवास दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।